नमस्ते आपका स्वागत है ललन टॉप में एक बार फिर से हमने सिनेमा अड्डा जमाया है और आज मेरे साथ दो डायरेक्टर्स हैं और एक एक्टर चक्की एक फिल्म है जो आई है हमने रिव्यू भी किया आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हो उसको तो उसके एक्टर डायरेक्टर और प्रेजेंटर तो मेरे साथ है राहुल भट्ट जिन्होंने फिल्म में एक्ट की है एंड ऑफकोर्स उमेश शुक्ला जी जो प्रेजेंटर है और डिरेक्टर हु ब्रॉट दिस होल फिल्म टुगेदर सतीश मुंडा जी आप सबका स्वागत है ललन टॉप में थैंक यू थैंक यू तो so कॉन्ग्रेचुलेशन आपने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो बहुत इम्पॉर्टेंट एक विषय है सोसाइटी में बहुत लोग इससे जूझ रहे हैं बट इतना ज़्यादा वो निकल के आती नहीं है मैं ये जानना चाहती हूँ कि हुआ कैसे ये थाट कैसे आया कि इसको लेके तो मैं फिल्म बना के रहूँगा थाट का मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं अखबार रोज पढ़ता हूँ अभी भी तो अखबार के एक आर्टिकल में मुझे एक न्यूज़ मिला कि एक बंदे को एक बिजली का बिल आया डेढ़ लाख का वो बिल नहीं चुकाने की वजह से उसको जेल भी जाना पड़ा वो जेल आने के बाद फिर उसको लगा यार कि ये बिल तो मैंने उठाया नहीं तो फिर इतना मतलब तो जो गलती किया नहीं उसका सज़ा क्यों मिल रहा है मुझे तो फिर वो फाइनली कोर्ट के चक्कर लगा के वो उसको न्याय मिलता है कि हाँ इसने गलती नहीं करी है और सम हॉल मुझे लगा यार कि एक बिजली का बिल इतना ज़्यादा परेशान कर सकता है किसी को कि वो जेल तक उसको जाना पड़ सके और उस टाइम मैं भी थोड़े से बिजली के बिल से परेशान था इनफैक्ट हर महीने थोड़े कुछ ना कुछ ऐसे लग रहे थे कि मुझे पे करने पड़ते थे लगता यार इतना बिल क्यों आ रहा है तो Uh, मुझे लगा कि ये पर्सनल कनेक्शन बहुत है अगर लोग अगर ये कहानी अगर पूरी बनती है तो सब लोग रिलेट कर पाएंगे सब लोग कहानी को बोलेंगे कि शायद मेरी कहानी है ये सोच के मैंने शुरुआत करी और धीरे धीरे बनते हैं अभी ये चक्की बन गई फिर हाँ और ये जैसे बड़े शहरों में भी दिक्कत दिक्कतें हुई है इलेक्ट्रिसिटी बिल और इसके <coughs> इन्फ्लेटेड होने की आप दोनों का फिर सिलसिला कैसा हुआ कि आपने आप फिल्म से कैसे जुड़े uh, ने किया जाके किधर अहमदाबाद में किया था ना आपको शायद या मुंबई में अहमदाबाद मैं एक फिल्म कर रहा था यूनियन लीडर उस समय तो, तो ये आगे सेट पे और इन्होंने मेरी कुछ फिल्में देखी होंगी तो बोले भाई ये है एक कॉमन आदमी की कहानी मैंने कहा तुम तो बहुत ही अनकॉमन आदमी के पास आए हो ये कहानी लेकर ये कैसे होगा पर बट ही हैड सम सिंसेरिटी इन हिज आईज एंड आई फेल्ट कि करेक्ट है इस कन्विक्शन है डायरेक्टर में मेरे लिए सबसे ज्यादा होता है कि डायरेक्टर में कन्विक्शन डायरेक्टर कन्विंस है ना अपनी कहानी से सो सो आई दैट ही इज रियली कन्विंस एंड सिंसियर दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड और फिर आप कैसे जुड़े इस कहानी के साथ जब ये कहानी लेकर आए थे तो मुझे ये लगा कि इसमें एक सटायर बहुत अच्छा है जो कहना चाहिए चाहिए ऑडियंस को और जिस तरह से प्रेजेंटेशन का जो जरिया था वो भी बहुत अच्छा था फिर कहा राहुल कर रहा है मुझे बोला यार फिर तो बहुत मज़ा अच्छा आएगा फिल्म में इसके जो कोर्ट केसेस हैं वो मैंने मुझे बहुत अच्छे लगते थे मुझे लगा कि ये मुद्दा जो है वो इस तरह से अगर कहे जाएंगे तो जेन्यूनली ये फिल्म बहुत ही एंटरटेनिंग भी बनेगी कभी कभी होता है कि मुद्दा होता है पर वो इतना सीरियस हो जाता है कि वो आप आपको लगता है कि यार ठीक है एंटरटेनमेंट नहीं था पर ये फिल्म में ह्यूमर और म्यूज़िक ऐसा था कि जो मुझे लगा कि

कैसे हुआ कि आपने कि आपने सोचा अच्छा मैं सूत्रधार रखूंगा रखूंगा और उनको रखूंगा, वो कैसे हुआ क्योंकि वो कहानी जहाँ से स्टार्ट होती है इंड भी अगर उसी सूत्रधार से करते हैं और वो बीच में बैंड भी परफॉर्म कर रहे हो हुँ. तो वो एक आम आदमी का जो कनेक्शन है वो जो सूत्रधार के जरिए मिलना चाहिए कि वो जो मैं बोल रहा हूँ ना वो मैं नहीं हूँ वो आप ही हो तो ये राहुल सर को जब मैंने बोला तो बोला हाँ हाँ करते हैं फिर और उनकी वॉइस में वो लगी कि और वो क्योंकि उसके बाद ना आखिर में मेरा गाना भी शुरू होता है उनका जैसे उनका एक नरेशन खत्म होता है

पहले पूछा गया होगा कि आपने OTT पे रिलीज क्यों नहीं की OTT पे रिलीज नहीं करने की एक वजह ये थी कि हम लोग हमेशा ये वेट कर रहे थे कि ये लॉकडाउन खत्म हो और हम उसको थिएटर में ही रिलीज करें क्योंकि थिएटर में रिलीज होने से एक तो पता चलता है कि हम कहाँ खड़े हैं और ऑडियंस का एक्चुअल रिस्पॉन्स क्या है ओ टी टी में कभी कभी हमें पता नहीं चलता है कि एग्जैक्ट रिस्पॉन्स कहाँ कैसे क्या आता है ट्रैक नहीं किया जा सकता कितने व्यूज क्या हुआ पता नहीं मुझे तो ऐसा जेन्यून लगता है नहीं है उतना नहीं, और जो फिल्म का जो मजा है एक्चुअली थिएटर में होता है जो एक कम्युनिटी एक बनती है जब डार्क जब लाइटें बंद हो जाती है और एक 70 एम mm के सामने तो उसकी जो सेटिस्फेक्शन मिलती है किसी भी क्रिएटिव आदमी को तो वो तो एक अलग लेवल का उसमें मजा है तो थेडर हम थेडरी अपने आप को वंचित नहीं करना चाहते थे मजे से

शाहिद कपूर हैं या बड़े स्टार हैं वो हीरोजम वाली फिल्म है अपनी फिल्म कनेक्टेड वाली है कि लोग रिलेट करें ऐसा नहीं कि कल्पना में खो जाए कि हाँ मैं भी वैसा हूँ मैं भी वैसा हूँ ये है कि आप हो एक्चुअली आप कॉमन मैन हो आप सेम सिमिलर प्रॉब्लम से आप जूझते हो और सिमिलर प्रॉब्लम से कैसे निकलते हो उसकी जर्नी है एक्चुअली और देखकर आपको भी बहुत गुस्सा आएगा मुझे तो ऐसे गुस्सा मुझे लगा अच्छा मैं आई एम फीलिंग एंग्री बट वो गुस्सा और बढ़ता गया हर वक्त क्योंकि हर एक नय, नया चैलेंज जब आता गया और मैं मेंटली मैथ्स कैलकुलेट कर रही थी कि वो जितना वो घूस दे रहे हैं जो कुछ भी हो रहा है उतने में तो वो बिल दे देते उतने पैसे सब मिलाकर है ना तो ये फिल्म की कहानी थी फिल्म थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और आप जाकर देख सकते हो बट आप तीनों की जर्नीज भी काफी इंटरेस्टिंग रही है जैसे आपने ओ माई गॉड बनाई और जैसे मैंने ये पढ़ा भी तो मैं सच में दिल से आपसे ये पूछना चाहती थी कि आज के वक्त में आपको लगता है ऐसी अगर एक फिल्म आप बनाने जाओ तो ये हो पाएगा क्योंकि जैसे बॉयकॉट कल्चर का ट्रेंड चल रहा है ओमाई गॉड में वैसा एक्चुअली बोल रहे हैं कि ओमाई oh गॉड उतनी कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाती अगर आज के जमाने में बनती तो और ये बार बार ये हर जगह से ये पूछा जाता है कि आज के जमाने में ओ ओमाई गॉड बनती या नहीं पर मुझे लगता था कि वो इतनी बैलेंस फिल्म थी कि uh, क्योंकि ये पहले मेरा प्ले था ड्रामा था मैंने प्ले देखा था जी फिल्म से पहले हाँ तो वो तीन लैंग्वेज में मैंने कम से कम दो हजार से ज्यादा शोज किए थे तो मुझे पता था कि कहीं पर भी उस तरह का रिएक्शन नहीं आता था कंट्रोवर्सी तब होती अगर मैंने भगवान को नहीं दिखाया होता तो मैंने तो भगवान को भी दिखा दिया था और कुछ सवाल भगवान के मुँह से ही बुलवाए थे जो रिलेटेबल uh, थे तो इतनी मतलब था ऐसा ही कि तलवार की धार पे चलने वाली ही बात थी पर कभी कहीं एकदम जब रिलीज हुई तब एकाद जगह पे शायद कुछ पंगे हुए थे अदरवाइज कहीं हुए नहीं थे क्योंकि इतनी बैलेंस थी इतनी रैशनल बातें कर की थी और जो थी वो अंधविश्वास और उसके खिलाफ थी भगवान के खिलाफ थी नहीं भले हमने केस किया था भगवान पे पर वैसे भगवान के खिलाफ नहीं थी जो पाखंड चल रहा है उसके खिलाफ था और हमने उसमें एक अच्छे साधु भी दिखाए थे जो अरुण बाली जी अभी परसों ही उनका देहांत हुआ ही ही प्लेइंग वन कैरेक्टर वेयर इन द कोर्ट सेज दैट कि साई बाबा जब जिंदा थे तब वो दर दर ठोकरे खाते थे और अब उनके मरने के बाद उनके लिए इतना बड़ा महल और इतना कुर्सी बनाने की कोई जरूरत नहीं है सो so, इतनी बैलेंस आर्ग्यूमेंट्स थी कि आपको कभी वो ऐसा नहीं लगता था कि ये कॉन्ट्रोवर्सी में फंस सकती थी जैसे अब एक फिल्म आ रही है सिद्धार्थ मल्होत्रा और अजय देवगन के साथ वहां पे ऑलरेडी लोग इतना ऑफेंस ले रहे कि कह रहे कि आप ब्लॉक कर दो या जैसे आदि पुरुष जी के साथ जो भी अभी तो आप बड़ी आपको लगता, इंटरनेट की वजह से अब हो रहा है ये तो मुद्दा ऐसा है की जब तक वो फिल्म हम पूरी नहीं देखते उसके पहले मुझे लगता है कि रिएक्ट नहीं करना चाहिए जो भी विरोध कर रहे हैं मेरा ऐसा मानना है कि उनको पूरी फिल्म देखनी चाहिए और उसके बाद जो भी है अपना विरोध जो है वो दर्शाना चाहिए और अगर उसके पहले ही अगर दिक्कत आ जाती है कि यही चीजों के लिए है तो एक बार आजकल बिकॉज ये दो तीन साल लोग ऐसे घर पे बैठे कि ज़्यादा वोकल हो गए हर चीज़ को रिएक्ट कर, कर रहे हैं लोग पर मुझे लगता है कि एक बार बैठ कर बात करनी चाहिए वो मेकर्स के साथ या कुछ भी की हमने ऐसा सोचा है आप हमारी ऐसे हमारी भावनाओं को आप इस तरह से ठेस पहुंचा रहे हो तो वो भी सोच सकते हैं कि चलो अभी मैं कुछ करूं सीधा प्रदर्शन कर दोगे तो कहाँ जाएंगे वो जो मेकर उन्होंने भी कन्विक्शन से बनाई है उन्होंने भी कोई विवाद खड़ा करने के लिए तो फिल्म नहीं बनाई है क्योंकि वो उतना खर्चा है ना अगर कुछ चीज़ें सॉल्व भी करनी है तो उतना खर्चा है या तो मुझे लगता है कि जैसे ये सिस्टम की बात है कि ऐसा पहले से ही करो कि कोई अगर ऐसी फिल्म बनाते हो तो पहले जैसे एक सेंसर एक होता है वैसे मैं बोलता हूँ कि राइटिंग का भी एक सेंसरशिप कर दो स्क्रिप्ट को ही पहले सेंसर करा लो कि स्क्रिप्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना तो ही फिल्म बनाओ जैसे हमारे थिएटर में ऐसा होता है कि अगर थिएटर में अगर मैं कोई प्ले करता हूँ तो अगर कुछ विवादास्पद होता है तो उधर ही वो लोग रोक लेते हैं कि ये भैया ये दो डायलॉग हमें खटक रहे हैं या ये चीज़ें हैं तो वैसे फिल्मों में भी अगर स्क्रिप्ट को भी पहले एक बार क्लियर करवा लो तो शायद ये मुद्दा जो अभी इतने जलद हो रहे है, वो ना हो ऐसा मुझे लगता है अगर ऐसा होता है तो फिर एक सर्टन किस्म की फिल्में ही बनेंगी फिर आप क्रिटिक कैसे कर पाओगे सोसाइटी को जैसे आपने यहाँ पे क्रिटिक किया है चक्की में या कोई भी आप एक तबके को क्रिटिक करना चाहते हो कोई प्रोसेस को या फॉर दैट मैटर कोई रिलीजन या रिलीजियस सेंटीमेंट को हर जगह होता है पूरी दुनिया में होता है मैं सिर्फ इस्लाम या क्रिश्चियन या हिंदुत्व की बात नहीं कर रही बट फिर आप क्रिटिक ही नहीं कर पाओगे ना वेरी गुड एज एन आर्टिस्ट एज नहीं पर ऐसा है कि सेंसरशिप में डेट डजेंट मीन की अगर आ, वो विवादास्पद नहीं कोई भी सिस्टम के खिलाफ तो बनी सकती है फिल्म उसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना बन सकती आप है आप कह रहे हो कि बन हाँ, स... क्यों नहीं बन सकती <sk Hayat> okay. और, actually, है और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ एक्चुअली मेरी एक बचपन की याद है रिलेटेड

मुझे याद है अभी भी सेवनटीन पॉइंटी so, थी उस हाइस्ट एवर उसके बाद मुझे आई वॉज जस्ट ट्वेंटी वन ईयर ओल्ड बाय जस्ट इम्प्रेसिंग सो उसके बाद मुझे मिली ये मोहब्बत है एक पिक्चर उमेश मेहरा जी बहुत बड़े डायरेक्टर थे उस टाइम पे उन्होंने खिलाड़ियों खिलाड़ी सबसे बड़ा खिलाड़ी इंटरनेशनल ऑल अक्षय कुमार का करियर मतलब जितने भी खिलाड़ी सीरीज उन्होंने बनाई थी सोनी मेहवाल मुजरिम बिग देखी ही नहीं वो क्या था एनी मैंने एक फिल्म की नई पड़ोसन वो नितिन मनमोहन जी प्रोड्यूसर थे वो भी काफी बड़े प्रोड्यूसर थे उसमें ठीक ठाक चली थी उसके बाद मुझे मिलने लगी कुछ वो उस टाइम पे ना बहुत ज्यादा वो सिनेमा बन रहा था ए माइनस बी काइंड ऑफ सिनेमा कि कुछ भी अभी आप इंस्पेक्टर बन जाइए अभी आप ये बन जाइए मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये सारी फिल्में जो हैं वो एंड एंड एट दैट टाइम आई हैड स्टार्टेड सीइंग लॉट ऑफ मूवीज आई 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 हैड वाज एक्सपोज टू ऑल वर्ल्ड सिनेमा तो मैंने देखना शुरू किया था सारे मैंने देखना शुरू कर दिया था और देखते देखते मुझे लगा कि मुझे तो एक्टिंग ही नहीं आती मैं क्या कर रहा हूं निकला था आज अमिताभ बच्चन का बर्थडे है तो मैं उनको हैप्पी बर्थडे भी बोलना चाहता मैं मैं निकला था था कश्मीर से अमिताभ बच्चन बच्चन लगा तो तो हम तो बच्चन है भाई हम तो आएंगे और अमिताभ बच्चन की एक्टिंग करते थे हम उन्हीं की फिल्में देख के पड़े हुए थे films, कि मेरे को तो एक्टिंग आती नहीं या yeah, ऐसा ही कुछ रिएक्शन था मेरा कि ये क्या हो गया अब जब मुझे एक्टिंग आती नहीं थी अब मैं सुपर हिट था टीवी पे जब मुझे आती नहीं थी मैं यही पूछ और थी, और थी, जब थी, समझ गया पिक्चर ही नहीं तो मैं हर दिन तीन फिल्में देखता था ये दस साल मैंने हर दिन तीन फिल्में देखी एवरी डे इट hmm. इज माई रिकॉर्ड मैंने कोई पिक्चर नहीं छोड़ी

थोड़ा सा एक्टिंग में मैंने सोचा मैं रिसर्च करता हूँ मैं वापस जाता हूं मैं सीखता हूं मैं कुछ सीख के आता हूँ फिर एक दिन अनुराग कश्यप टकराए उन्होंने कहा वो गैंग्स से वाजीपुर बना रहे थे उन्होंने कहा कि मेरे लिए तेरे पास एक कहानी है तेरे लिए मेरे पास एक कहानी है और उन्होंने अगली सुनाई उन्होंने मैंने मैं नहीं गया उन्होंने आप पूछे उनसे उन्होंने सुनाई मुझे तो मैंने कहा कौन सा रोल मुझे कहा कोई छोटा मोटा रोल ढूंढ रहा होगा मतलब मेन रोल मैंने देखा उसकी शक्ल की तरफ मैंने कहा आर यू शोर बोलता है एंड दैट्स हाउ मैंने कहा ये करेक्ट डायरेक्टर है अब यहाँ से शुरू करता हूँ इनिंग्स नंबर टू तो so, आपने उन दस सालों में करीब ग्यारह हजार फिल्में देखी हाँ सबसे फिल्म कोई एक फिल्म जो आपके साथ रह गई उन उन सारी फिल्मों में से कितनी फिल्में हैं जो मेरे साथ रह मैं एक सीन अभी मैं आजकल देख रहा था जैक निकलसन की पिक्चर एज गुड एज इट गेट्स मैंने एक सीन कम से कम पचास बार वापस रिवाइंड कर करके अभी मेरे मोबाइल में है मैं देखता रहता हूँ और वापस वापस देखता हूँ वापस उसको देख दीज एक्टर्स आर अनबिलीवेबल ऐसा क्या है उस सीन में इज द सिंसियरिटी ऑफ दैट सीन की एक तो पढ़े लिखे एक्टर्स है सारे वहां पर पढ़ाई करनी पड़ती है एक्टिंग के लिए हम लोग तो आते हैं अपने अपने गाँव से चलो भाई मुझे तो स्टार बनना है

यहां अब आ गए एक्टर्स और ये सब अब 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 थोड़ी सी नाउ नाउ द टाइम इज चेंज दिस किड्स किड्स आर आर टुडेस कमिंग प्रिपेयर्ड लेकिन हमारे जमाने में तो हम चले मैं खुद चला उठा भाई बैग लिया चलो एक्टर बनना सो आई फील दैट देयर इज अ दिस इज अ वेरी कहते हैं आप मेडिसिन डॉक्टर डॉक्टर का प्रोफेशन कहते हैं ना आप नोबल प्रोफेशन है hmm. मुझे लगता है एक्टर का प्रोफेशन सबसे ज्यादा नोबल है क्योंकि मैं चाहकर भी गंदी एक्टिंग नहीं कर सकता अगर मुझे प्रोड्यूसर से या डायरेक्टर से आज थोड़ी सी अनबन हुई है Suppose, मुझे अच्छा नहीं लगा और मगर मेरा सीन है मैं नहीं चाहता चलो आज मैं इसकी पिक्चर की गड़बड़ कर देता हूँ आज मैं अच्छी एक्टिंग नहीं करूँगा जितना आता है वो हम करते हैं मगर प्रॉब्लम ये हमें कम आता है इसलिए उसके लिए सीखना पड़ेगा उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी उसके लिए विद्वानों के साथ बैठना पड़ेगा उसके लिए फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स क्यों करते हैं लोग बिकॉज यू है It's, it's कुछ, कुछ जय गंगा जल में उन्होंने भी कहा कि मैं पूरी दुनिया घूम के कोशिश करता हूँ पार्टिसिपेट करता हूँ इसीलिए मुझे एक्टर अच्छा एक्टर बनाया बट क्योंकि मैं अपने से और बात कर पाऊँ समझा पाऊँ उनको समझ पाऊँ इसीलिए बट ऐसा कौन करता है

तो कैसे करें कैसे अप्रोच करें उसे वो सबसे पहली बात तो वो दस सीट देख के डरना नहीं है हाँ, कि हर साल दस ही सीट होते हैं तो बेसिकली मुझे भी वो लगा अरे यार वो देख के लगता तो दस सीट नहीं होना है कोशिश क्यों करे। तो हाँ, तो वो आ, नहीं, मतलब मैं भी सोचा था मैं तो चल करते हैं मैं बस थोड़ा तैयारी करता रहा और सिनेमा के प्रति थोड़ा सा झुकाव था जो मैं थोड़े बहुत सिनेमा की चीजें पढ़ते रहता था हमेशा और जितने फिल्में देखता था मैं फिल्म देखने के बाद में उसको विकीपीडिया पढ़ता था कि फिल्म में ये डायरेक्टर ने काम किया उसका इस तरह से प्लॉट हुआ उसका ये शूटिंग लोकेशन हुआ वो थोड़ी थोड़ी पढ़ता रहता मज़ा आता था वो तो फिर फाइनली जब मैंने उसका एंट्रांस एग्ज़ाम दिया तो कोलकाता गया तो कोलकाता में इतनी भीड़ देखी यादवपुर यूनिवर्सिटी में तो सब लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं मैं बोला अब चल ठीक है एग्ज़ाम दे चले जाते हैं तो उधर जाके एग्ज़ाम जब दिया तो एफ से जब कॉल आया तो दो लड़कों का उधर से सिलेक्शन हुआ मेरा और एक उड़ीसा का कोई एक और बंदा था तो मैंने बोला अरे ग्रेट मैं बोला इतना तो ब्रिलियंट हुआ नहीं हुआ कैसे चलो जो भी जैसे भी हुआ शायद मैंने इतने दिनों तक थोड़े थोड़े कुछ कुछ पढ़ रहा था तो शायद उसकी वजह से कुछ हुआ होगा या मेरा उस दिन अच्छा होगा उस दिन शायद कि मैंने जो भी टिक करेंगे वो करेक्ट 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 करे जाके लगे तो फिर फाइनली मैं जब एफ आई आया वहाँ पर तो मेरे इंटरव्यू जब हुए तो वो इंटरव्यू में आज तक मेरा मार्क्स कभी भी ना सिक्सटी से प्लस नहीं हुआ मेरा उस दिन इंटरव्यू में है मेरे को नाइन्टी मिले अब पता नहीं क्यों मिले मैंने अपनी जर्नी बताई बस सर कुछ नहीं बोला उनको अपनी जर्नी बताया कि मैंने फिल्मों से मतलब मेरा नाता कैसा रहा हमें भी बताइए <laughs> तो, <laughs> उनको बताएंगे ऐसे कैसे चलेगा मैम ऐसा है की मेरे मतलब गांव में ना मेरा जैसे जब जन्म हुआ था तो एक पूजा होती है जिसको सतेसा पूजा बोलते हैं तो मेरे पिताजी बीस दिन तक मेरा चेहरा नहीं देखते हैं ऐसा कुछ नियम होता है उसमें उन लोग का झारखंड में वो इक्कीसवें दिन जब वो मेरा चेहरा देखेंगे तो उस दिन उसके पास जितना भी खुशी का चीज होगा सबके साथ बांटेंगे वो तो उस दिन गांव में ना जंजीर मंगाई मंगे जंजीर का फिल्म परदे में लगाया तो गया, गया तो सब लोगों को दिखाया गया तो उस दिन तो सब लोग बोलते कि तू जब 21 दिन का था ना तो उस दिन भी तू रोता रोता देखा है मतलब फिल्म तो मुझे लगता है कि मेरा जुड़ाव शायद इक्कीसवें दिन से हो गया था सिनेमा से वो उसकी लंबी जर्नी लग गई भले इक्कीस बाईस साल के बाद तो ये सारी चीज़ें मैंने एक टाइम में यही सब चीज़ें बोलता रहा मैं फिल्म के बारे में कुछ भी नहीं बोला और मैं नौकरी किया जॉब किया फिर करते 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 यहाँ एफ टी पहुंच गया तो आज तक मेरी उतनी लंबी इंटरव्यू कभी हुई भी नहीं डेढ़ घंटे की हुई मार्क्स में आया तो 95 और फाइनली सिलेक्शन पॉइंट पढ़ाई की है ना पढ़ के आया है

एफ से निकलने के बाद लेकिन जो डायरेक्शन से पास आउट होते हैं ना उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि चीज़ें क्रैक करना बट उसमें मैं थोड़ा लकी था कि मैं सिक्सटीन में पास आउट हुआ और सेवनटीन में आ, मैंने कहानी लिखी थी और प्रोड्यूसर भी मिल गए और फाइनली सब कुछ बनते बनते बन गई

उनका ऐसा था कि लोग उनके बारे में बहुत बोलते थे कि वो बहुत ही मतलब चिढ़ जाते हैं उनको ऐसा बहुत उनका था पर मेरे साथ आज तक कभी मतलब वो हुआ ही नहीं था हम इतने अच्छे दोस्त रहे हैं जितना भी हमने साथ में काम किया पहले दिन भी जब मैं उनको नरेट करने गया था ऑल इज वेल का तो दस मिनट में ही उन्होंने हाँ कह दिया था और हम लोग ने सीधा उनका एक है ब्लैक लेवल का शौक़ है उनको तो उधर ही शुरू हो गए थे पर बात ये थी कि वो चिंटू जी जो लोगों के साथ थे वैसे मेरे साथ कभी नहीं थे फिर मैंने एक बार उनको पूछा कि यार लोग तो इतना बोलते हैं कि आप रुला देते हो डायरेक्टर को तो आपने कभी मेरे साथ तो ऐसा किया नहीं मतलब तो तेरे को जो सवाल पूछता तो जवाब दे देता है ना तो जवाब देने दे, देने में एक बार भी अगर फफल जाता है तो फिर तेरी क्लास ले लेता मतलब वो कभी कभी ऐसी कोशिश करते हैं हम कहते हैं ना कि चिंटू जी आप यहाँ से आएंगे और यहाँ आके यहाँ डायलॉग बोलेंगे तो हमेशा करते हैं मैं यहाँ से क्यों हूँ मैं इधर से आ जाता हूँ ना तो आप उसका लॉजिक देते हो कि नहीं इधर से इसलिए आना है क्योंकि अभी आप उठे हो तो उठे उठने के बाद इमिजिएटली आप घर के बाहर से नहीं आ सकते हो आपको अंदर से ही आना पड़ेगा तो उसको लगता है कि नहीं नहीं इसको काम आता है इसको छेड़ना नहीं चाहिए वो पहले कोशिश करते हैं कि अगर डिरेक्टर को काम आता है कि नहीं वो एक बार समझ जाते हैं फिर ऐसा होता नहीं तो फिर तो हमारी बहुत अच्छी दोस्ती रही फिर जब 102 एंड नॉट आउट की बात आई तो जब मैंने बच्चन साहब को पहले ये नरेट किया तो बच्चन साहब ने पूछा लेकिन ये मेरे बेटे का रोल कौन करेगा तो मैंने कहा चिंटू जी करेंगे बोला नहीं 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 वो नहीं करेंगे मतलब क्यों नहीं करेंगे बोलो ने उन्होंने अभी एक किताब लिखी और उसमें ये उन्होंने एक बुक निकाली और एक चैप्टर पढ़वाया उसमें चिंटू जी ने बच्चन साहब के बारे में कुछ ऐसा लिखा था कि बच्चन साहब बोले कि वो करेंगे नहीं मैंने बोला नहीं यार मैं बात करता हूं जाके बोला कर लो मेरे को खुल्लम खुल्ला खुल्लम खुल्ला तो फिर मैं चिंटू जी के पास गया बोला चिंटू जी एक फिल्म का नरेशन देना हो तो नरेशन दिया मैंने तो फिर नरेशन देने के बाद पूछा कि लेकिन मेरे फादर का रोल कौन करेंगे मैंने बोला मैंने सोचा कि बच्चन साहब करेंगे वो वो नहीं करेंगे क्यों? <laughs> उन्होंने भी ये किताब निकाली वही खुल्लम खुल्ला <laughs> देख मैंने ऐसा लिखा है वो मेरे साथ हाँ बोलते हैं तो बोला ठीक है फिर उन्होंने भी इमिजिएटली हाँ कह दी तो सत्ताईस साल के बाद दोनों एक wow, साथ में आए थे और ऐसा था कि मैं हमेशा दोनों से सीखा ही हूँ मतलब उनके एक्सपीरियंस के सामने हमारा एक्सपीरियंस बहुत कम होता है पर उनका जो डेडिकेशन होता है और दोनों की एक्टिंग स्टाइल दो बहुत ही अलग है चिंटू जी कभी वर्कशॉप और ऐसी चीज़ में मानते नहीं है बोलता हम लोग को तो वैन में सीधी स्क्रिप्ट आती है हम लोग सीधा आके कर लेते हैं ऐसा वर्कशॉप वर्कशॉप नहीं करते हैं लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक बार हम लोग सब साथ में वर्कशॉप करें तो पहली बार जब हम वर्कशॉप के लिए बच्चन साहब के घर पर मिले थे और हमने वर्कशॉप किया था मेरे राइटर थे सौम्य जोशी वो भी थे और हम लोगों ने नरेशन किया और पहले बोला कि मैं मेरा रोल नहीं पढ़ूंगा कोई और पढ़ लो तो या मेरा राइटर पढ़ता था या मैं पढ़ता था बच्चन सब अपनी लाइन पढ़ रहे तो ऐसा हो रहा था फिर चार पांच पढ़ने हुए तो फिर लाओ लाओ मैं ही पढ़ता हूँ डूइंग इट और वो amazing. वो करने के बाद ही सेड कि ये प्रोसेस हर फिल्म में होना चाहिए मैं इतने साल मैंने मिस किया ये प्रोसेस कि इतना अच्छा प्रोसेस है कितनी क्लैरिटी हो जाती है कि हमको रीडिंग में ही आगे जाके कभी शूटिंग पे प्रॉब्लम ही ना हो तो चिंटू जी का ऐसा था और बच्चन साहब के बारे में ये कहूँगा कि आज उनका बर्थडे है आ, मैंने उनको हमारा एक रिश्ता है तो कि हम विश करते हैं एक दूसरे को फोन पे तो मैंने आज उनको सुबह चार बजे फ्लाइट में फ्लाइट के लिए निकल रहा था तभी मैंने उनको कर दिया था उनका जवाब भी बारह बजे मैसेज आ जाएगा हमको लगता है बाजू में से बीवी ने किया होगा पर देखते थे बच्चन साहब पर्टिकुलर है उस चीज को लेकर तो बच्चन साहब के बारे में मैं ये कहूंगा कि नॉर्मली एक्टर्स का ऐसा होता है कि एक्टर्स होमवर्क करके आते हैं उनको अगर अगले दिन हम स्क्रिप्ट देते हैं तो होमवर्क करके आते हैं तो बच्चन साहब का मैंने ऐसा देखा कि वो सिर्फ होमवर्क करके आते ही नहीं है उस शूटिंग करने के बाद एक बार डायरेक्टर ने ओके बोल दिया तो उनके लिए ऐसा है कि अभी ये स्क्रिप्ट का क्या ज़रूरत है बच्चन साहब एक मैंने एक्टर ऐसे देखे हैं जो उनकी वो जो स्क्रिप्ट होती है वो डबिंग तक रखते हैं और डबिंग में भी वही स्क्रिप्ट लेकर आते हैं जो शूटिंग में यूज़ कर जो हमने दी होती है

और ऐसा भी होता है कि कभी कभी वो शूटिंग करने के बाद आपको रात को एक डेढ़ बजे फ़ोन करेंगे कि आज जो मैंने वो जो किया था ना तो उसमें मुझे लगता है कि और मैं अच्छा कर सकता हूँ नॉर्मली करने के बाद लोगों को नहीं पता ऐसा होता है कि हो गई शूटिंग तो हो गई अभी कल का मैं होमवर्क करूँ ना तो शूटिंग के बाद भी वो देखते हैं और लगता है कि अगर कल अगर वो लाइटिंग है तुम्हारी तो एक शॉट मुझे वो फिर से देने दो तो ऐसा डेडिकेशन मैंने जेन्यूनली और कोई एक्टर में नहीं देखा कि जो ऐसे लगे हुए रहते हैं इसीलिए वो अमिताभ बच्चन है अब yes, समझ absolutely. रहे वो और।, और एक ऐसा किस्सा हुआ था मतलब चिंटू जी एक बार डबिंग में आए और नॉर्मली ऐसा होता है कि एक सीन देखते हैं फिर वो डबिंग शुरू करते हैं उस सीन देखने के बाद बच्चन साहब का वो इतने रो रहे थे मुझे लगा कि चिंटू जी खड़े हो बोल क्यों नहीं रहे फिर मैं उनके पास गया क्योंकि हम मैं इस तरफ था तो रो रहे थे और बोलता है कि चिंटू जी बोले कि देखो बच्चन ऐसे ही बच्चन नहीं होते देखो कैसा कि सीन किया है परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा उन्होंने घर तो पे, पे जाके उन्होंने बच्चन साहब के लिए कोई अच्छा वाला बुके लिया और उनको भेजा और उसपे सिर्फ इतना ही लिखा था बच्चन ऐसे ही बच्चन नहीं होते ये बच्चन साहब है वाँ। वाँ। ये जेस्चर दिखाना एक्टर को एक दूसरे के प्रति बहुत बड़ी बात है आज तो हाँ हमने सुना है हाँ. मजामा के लिए उन्होंने भी कहा कि आ, वो भूतनाथ करते समय वो वो जा सकते थे उनको क्यों देने की जरूरत नहीं थी कोई और एक्टर के लिए कोई और स्टैंड इन करके वो क्यों दे देता वो वो समझते जब एक्टर क्यों देता है वर्सेज जब असिस्टेंट डायरेक्टर क्यों देता है तो उसमें बहुत फर्क होता है तो वो रहे आधे एक घंटे अपने शूट के बाद उनको क्यों देने के लिए तो सोचो मुझे कितना मजा आया हो होगा ये दोनों के साथ दोनों एक दूसरे को क्यों देने के लिए खड़े रहते मैं मैं मुझे थोड़ी ऐसे महसूस हो रही कि आप वो ये सब अनुभव कर पाए पे रहकर uh, you know, के अलावा आपने एक्टिंग भी की है एक फिल्म स्पेशली जो मैं नाम लेना चाहती हूँ डोली सजा के रखना चाहोने प्रिया की एक्चुअली <laughs> मेरी एक्टिंग की शुरुआत जो इन्होंने फिल्म की शुरुआत की उमेश मेहरा साहब उसके साथ ही मेरी हुई आई वॉज अ मेन विलन मैं लॉन्च हुआ था एज अ मेन विलन उमेश मेहरा डायरेक्टर थे वो फिल्म के यार गद्दार जिसमें सैफ अली और मिथुन दादा हीरो थे पर वो फिल्म कुछ चली नहीं थी क्योंकि पूरी फिल्म विलन के पॉइंट ऑफ व्यू से थी और हीरो कुछ करे ही नहीं तो फिल्म क्या चलेगी तो उस वजह से फिल्म चली नहीं थी फिल्म बहुत अच्छी थी मेरे लिए पर फिल्म नहीं वर्क की थी उसके बाद मैं राइटिंग करना शुरू किया था तो उस वक्त मैंने काफ़ी 11 से 12 फिल्मों में गोस्ट राइटिंग किया था जिसमें मेरी ऐसे क्रेडिट नहीं आती थी पर आई हैव रिटन मैनी फिल्म तो उसमें से एक डोली सजा के रखना फिल्म थी जिसके डायलॉग्स मैंने नीरज वोरा साहब को असिस्ट करते हुए लिखे थे और उस वक्त प्रियंक सर की हिंदी थोड़ी नई नए नए थे हाँ। अभी तो काफ़ी अच्छी है तो उनको लगा कि यार ये नरेट जिस तरह से कर रहा है तो इसको ही वो रोल में मेरे जाए ताकि मुझे और भी शूटिंग पे आसानी हो जाए जो मुझे वैसे करना नहीं था पर मैंने उस लिए कर लिया था मैंने हाँ, हमारे जो सिनेमा टीम के समाधिक उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि ये फिल्म के बारे में ज़रूर पूछना ठीक है हम वक्त की पाबंदी तो मेरा जो आखिर साहब आपसे आपने बताया मुझे कि कैसे हुआ अनुराग कश्यप से वो आए थे आपसे मिलने बट मैं थोड़ा और जानना चाहती हूँ कैसे वो मुलाकात कैसे हुई कॉन्टैक्ट कैसे हुआ एक्चुअली क्या है अनुराग और मैं हम मैं जब पहली बार आया था मुंबई तो वहाँ पे एक जगह है अंधेरी ईस्ट में उसको कहते हैं पी एम जी पी कॉलोनी इट्स कॉल प्राइम मिनिस्टर्स ग्रैंड प्रोजेक्ट तो वो जब प्राइम मिनिस्टर ने सब चॉल हटाई थी तो थोड़े से बेटर था एक रूम चॉल टाइप का था तो वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते थे बहुत एक्टर्स और ये डायरेक्टर तो अनुराग कश्यप भी वहाँ रहते थे और मैं पहली बार आया था मैं बॉडी वॉडी बना के ऐसे एकदम चड्डी में ऊपर ब्रश करता था अपने अपने बैल्कनी में छोटी सी बैल्कनी थी और ये नीचे से जाते थे तो ये हमेशा देखते थे ये है गधा <laughs> ये क्या कर रहा है वो इमेज आप कभी अनुराग को पूछेगा वो ने इमेज ने? उसके दिमाग में रह चुकी थी कि एक लड़का उधर एंड देन सडनली हीना ये लोग वहीं स्ट्रगल कर रहे थे मैं निकल गया आई वेंट टू बट आफ्टर मैनीयर्स ही मेट मी इन अ पार्टी एक्चुअली और उसने कहा राहुल बटन तू क्या कर रहा है

कि यार मेरे लिए कुछ करो मैं गया ही नहीं हूँ कहीं स्ट्रगल कर... गया ही नहीं किसी के ना किसी डायरेक्टर से मिलाऊ एनी तो उसने कहा अगले दिन मेरे घर पे आ जा तो उसके घर चला गया मैं दिन में कहा था घर इस बार और... अंधेरी तो नहीं नहीं, 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 उसका uh, था, मैं। yeah. तो वो बना रहा था तो कहानी actually, बहुत पहले मैंने शाहरुख खान के साथ सोची थी मगर वो क्या वो वैसी बन जाती मुझे वैसी वो बहुत फिल्मी बन जाती तो मुझे थोड़ा सा इसको इस तरफ ले जाना है तो आई थिंक आई डू इट विद यू फिर वही मैंने कहा तू क्या पी रहे बहुत थे, बहुत थे, एक सिंगल अ गुड वन तो वो दिन हमने पार्टी की और पिक्चर फिर मुझे लगा कि पता नहीं बोला तो है वो वासीपुर बना रहा था तो उसमें भी उसको एक आध साल लग गया But एक साल के बाद सडनली एक फोन आया बोला क्या बोलो ऑफिस आ जाओ क्या क्या दस दिन में शूटिंग फर्स्ट सीन आई आफ्टर ऑफ टेकिंग ब्रेक अगली का वो uh, पुलिस स्टेशन वाला सीन oh. wow. yeah, 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 yeah. अगला सवाल वही था ब्रेक डाउन दीजिए मुझे उस थाने वाले सीन का तो एक्चुअली क्या था वो सीन अनुराग ने सिर्फ इतना ही लिखा था स्क्रिप्ट में कि वो जाता है वो बोलता है तुम्हारा नाम क्या है वो बोलता है मेरा नाम राहुल वार्ष ने बोलता है, यहां तो कपूर लिखा है।, बोलता है वो फिल्मों में ऐसा होता है हम लोग नाम चेंज करते हैं तो बोलता है अमिताभ बच्चन का क्या नाम है बस कट इतना सा सीन था आधे पेज का वो लिखा था तो अनुराग मेरे वैन में और मेरी पहली दिन एक्टिंग है आफ्टर नाइन ईयर्स वो पहला सीन ही है

अनुराग एज ए वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ वर्किंग एक्टर्स उसको पता है किस एक्टर को कैसे यूज करना है और वो उसको मतलब वो जैसे वो रिवर में फेंक देता है उसको थोड़ा सा ऐसे, लगा वो फिर उसकी बोट चलता रहता है फिर फिर वो देखता रहता है कि हाँ गया ठीक अब कहीं लगा वहां जब थोड़ा सा ऐसा करके उधर शुरू हो जाता है एंड देन ही जस्ट काइंड ऑफ स्टेयरिंग यू He 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 doesn't tell you you when to. He, yeah, देखे he देखे। goes with your current, the way you flow, and he just stares. तो sometimes तो वो कुछ बोलता है, ऐस, ऐसा होता है चला समझ में क्या बोला <laughs> 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 तो ऐसे ऐसा करता है कुछ होता है अरे सुन सुन क्या बोला क्या बोला वो चला गया वो <laughs> <laughs>

हाँ अभी लगता है मुझे हाँ ये सही जा रहा है इसको मजा आ रहा है मैं उसके लिए करता हूँ डायरेक्टर फिल्म बनाता है दुनिया के लिए बिकॉज देन ही इट वांट्स टू टेक हिज स्टोरी टू द वर्ल्ड एक्टर हैव अ स्टोरी ही हैज अ कैरेक्टर उसके उसके very पास कहानी नहीं वेरी प्रोफान मेरा आखिरी सवाल यह है कि अगली पर ही क्या आपको लगा समवेयर यू रिलेटेड टू इट ऑल्सो क्योंकि आपकी लाइफ से इंस्पायर था एंड डिड यू फील कि इट शोड आज हम सब ग्लैमरस

मैंने उसको बोला मैंने कहा ऑनर तो नाम बोल सकते हैं नहीं okay. तो मैंने बोला ऑनरक डोंट अभी तू अच्छा द प्रॉब्लम इज दैट नाउ यू हैव बिकम अ गुड एक्टर डोंट ट्राई टू टीच मी एक्टिंग टैडी हॉकी अभी बिकॉज़ ही नाउ ही डज इट उसकी प्रैक्टिस हो गई है अब वापस एक्टिंग एंड ही इज सच अ फैंटास्टिक एक्टर कि जब वो कोई सीन कर रहा है वो जैसे एक्सप्लेन करता है सीन को तो करेक्ट इंटोनेशन करेक्ट ऊपर करेक्ट क्या होना चाहिए कहां लो होना चाहिए कहाँ जोर देना है कहां छोड़ना है, कहां है, कहां फुल स्टॉप तो है। आसान तो, हो जाती है, है।, है। डायरेक्टर की बहुत सारे डायरेक्टरों की ग्रेट लाइक मैंने देखा उमेश जी की फिल्मों में परफॉर्मेंसेस लुक डिफरेंट बिकॉज ही अलाउस देम टू डू ना यू कैन अंडरस्टैंड बट बहुत सारे डायरेक्टरों की प्रॉब्लम होती है कि जब वो करते हैं तो धीरे धीरे वही लगने लगते hmm. हैं है। तो घुसने का वहां से थोड़ा सा हमें एक्टर को सवाल यहाँ से लेके जाओ यहाँ हाँ ठीक है एक रिश्ता भी है डायरेक्टरों के साथ बन जाता है बोल सकता हूँ कि नहीं हो मैं कश हो रहा है मुझे भी ऐसे करना है इसको ऐसे कर है। करते हैं टेढ़ा करते हैं एंड ही अलाउज मीज सच अ ग्रेट डायरेक्टर दैट ही अलाउज एक्टर टू यू नो ब्लॉसम कर ले भाई, बता दे क्या है अनलेस यू आर नॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग So that we are. <laughs> I am lucky सो आई एम लकी दैट all lucky. इतनी मज़ेदार ये बातचीत रही है एक्टिंग के बारे में इतना कुछ समझने को सीखने को मिला प्रोसेस क्राफ्ट और इतने अच्छे किस्से और कहानियाँ हैंक यू और आपने जो फिल्म बनाई है सोशल मुद्दा उठा के बहुत लोग सोचते कि नहीं नाच गाना होना चाहिए आइटम नंबर डाल देते हैं बट आपने कुछ ऐसे पिक किया जैसे आपने कहा कि आम आदमी उससे जुड़ सके आम आदमी औरत भी तो आप जाके चक्की देखे थिएटर्स में रिलीज़ हो चुके और आपको क्या अच्छा लगा आपने क्या सोचा प्लीज़ कॉमेंट्स में हमारे साथ शेयर कीजिए शुक्रिया